शुआ ऐसे तो वहां पे पानी का चश्मा निकल आया, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है रोहतास के पास, रोहतास फोर्ट के एकदम साथ में। बट एग्जैक्टली सेम थिंग यू कैन फाइंड इन मक्का, वहां पे डेजर्ट था, वहां पे पानी का झरना फूटा जहां पे मुस्लिम लोग जब जाते हैं वहां से थोड़ा पानी लेके आते हैं। ऐसे गुरु नानक की स्टोरी है कि उन्होंने एक किसी के घर में गए, उन्होंने ऐसे दो को निचोड़ा, एक से दूध निकला एक से खून निकला, जो गरीब था उसके खाने से दूध निकला दूसरे से खून निकला। आई फाउंड एग्जैक्टली सेम थ्रू इन स्टोरी इन सूफिज्म अगेन फ्रॉम इराक। गुरु नानक की स्टोरी है कि जब गुरु साहब गए मक्का में, काबा घूमने लग गया उनको देख के, वो ऐसे लेट रहे थे पांव उसकी तरफ किए हुए थे टुवर्ड्स काबा, इट्स वेरी वेरी फेमस, एवरी सिख नोज, वो काबा की तरफ ऐसे लेटे हुए थे पांव रोक के, तो वहां पे जो इमाम थे वो गुस्से हुए कि आप रब के घर की तरफ क्यों, यू आर काइंड ऑफ इंसल्टिंग द गॉड। तो गुरु साहब ने बोला कि ठीक है मेरा पांव उधर घुमा दो जहां पे खुदा नहीं है। तो उन्होंने पकड़ के ऐसे घसीटा, तो कहा जाता है कि काबा भी साथ में जिधर जिधर उनके पांव थे, मतलब द सिंबलिज्म इज कि द गॉड इज एवरीवेयर। बट एग्जैक्टली सेम स्टोरी यू कैन फाइंड फ्रॉम रबिया, शी इज अ मुस्लिम सेंट, वो अपने डोंकी पे जा रही थी, वो चार सेंचुरीज पहले की बात हो रही है, वो डोंकी पे जा रही थी, डोंकी रास्ते में मर गया, उसने कहा है खुदा मैं तो इतनी मुश्किल से जा रही थी मैं तो वहां पर पहुंच नहीं जाऊंगी, तो काबा घूमा और उनके पास आ गया। मतलब अब उन स्टोरीज को मैंने साथ में लिख दिया है विदाउट सेइंग कि कौन गलत है कौन ठीक है, ताकि जो बच्चे इसको क्वेश्चनिंग करते हैं उनके लिए और एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि दीज राइटर्स ऑफ दीज स्टोरीज मे बी दे वर ट्राइंग टू डेवलप मोर डिवोटीज इन ए वे, क्योंकि लोग सुनते ही ऐसी बातें हैं, जब तक ऐसी बात बोलते हैं दे गो देयर, उनको क्या करना था, दे जस्ट मे हैव चेंज द कैरेक्टर्स, क्योंकि स्टोरी तो पहले बनी हुई है। सूफिज्म का लिटरेचर तो इतना जबरदस्त पुराना है, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, 8th-9th century से ही हमारे जो पंजाब के सूफीज थे, जब मोहम्मद बिन कासिम आए इधर टुवर्ड्स फ्रॉम हिज फर्स्ट इन्वेजन फ्रॉम मुल्तान साइड, 8th century में हो गया, उसके बाद इस्लाम के साथ सूफीज्म स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम दिस रीजन, लेकिन उनकी एजुकेशन के लिए वो दे वर गोइंग टू पर्शिया ऑल द टाइम इवन टू द अरेबियन प्रेसेस, दे वर हाईली एजुकेटेड पीपल, उन्होंने बुक्स पब्लिश किए हैं 9th-8th-9th centuries में, एंड द वर्क वॉज फर्दर कैरिड ऑन लॉट मोर इन टू पंजाबी बाय शेख फरीद्स टाइम। सो उस समय में लिटरेचर इतना मिल जाता है, तो जो सिखिज्म गुरु साहब के समय पे ये साखियां लिखने वाले होंगे 15th-16th century, उन्होंने इतना डिटेल्ड काम किया था, बट आई थिंक दे हैड सम बेसिक, उनके पास कुछ अवेलेबल था सामान, दे हैड समथिंग टू सी कि लोग कैसे इस्लाम में ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, सो दे माइट हैव डन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि गुरु साहब की ये चीजें ऐसे नहीं हुई होंगी, दैट्स नॉट माई जॉब टू कंक्लूड एनीथिंग इन दिस बुक, ऑल दैट आई एम डूइंग इज गिविंग रेफरेंस फॉर यू गाइस, आपको लगे कि ये सारी हिस्ट्री मिलती जुलती है, जो स्टोरीज हमारे में है वो किन ऑथर्स ने 5 centuries के बाद उनको यूज किया होगा एंड दे हैव पुट इन टू द न्यू परस्पेक्टिव, क्योंकि आपको किसी बिल्डिंग की भी कुछ चीज बनानी है तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी जोड़नी पड़ेगी, तभी वहां पर लोग आएंगे। For me, the biggest thing was to establish the heritage value of these 84 buildings that I have included in this one. Heritage value के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, जो सिख दुनिया भर में है, हमारे गुरुद्वारा में we have a holy scripture, Sri Guru Granth Sahib, that's our sacred book, जैसे आपके कुरान है, तो हर जगह वही होती है, होली बुक अभी इंडिया से आई तो लाखों लोग उसके साथ ट्रेवल करते हैं, सो होली बुक इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट, द वट एवर द इट्स रिटन इन देयर वी से इट्स रिवील्ड, जैसे आप कुरान में कहते हैं बट इट वॉज रिवील्ड बाय गॉड थ्रू द प्रॉफिट, ऐसे एग्जैक्टली सेम थिंग इज गुरु ग्रंथ साहब इन आर रिलीजन। सो वट आई हैव डन इज विद माई विद दिस जन्म साखीज एंड अदर एंशियंट स्क्रिप्चर्स, वो मैंने ऐसे आई हैव ट्राइड टू फाइंड कि किस गुरुद्वारा में किस लोकेशन पे कौन सी कंपोजिशन गुरु साहब को रिवील हुई थी, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पे जो हो रहा है पिछले 2-4 महीने में सोशियो पोलिटिकल एरिना में उस एरिया में हो रहा है, जैसे वो अहमदाबाद में, और ये है सारा कुछ पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंगली 85% ऑफ दिस हिस्टोरिक वर्क, मेरा वर्क तो 100% ही पाकिस्तान में, बट ओवरऑल सिख हेरिटेज साइट्स एंड ऑल दिस थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट 85% इज इन पाकिस्तान, मैं 75 सोचता था, शायद शबीर बाबा जी ने बोला कि इट्स 85% अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, सो दैट मीन्स ये जितनी हम हिस्टोरिक हमारी कंपोजिशन है, जो हमारी सेक्रेट स्क्रिप्चर है जिसके इर्द गिर्द सारा सिखिज्म अभी घूम रहा है, वो जानने की जरूरत है कि वो कैसे उस समय के दौरान गुरु साहब ने उसको इंक्लूड किया, एंड इट गोज विद ऑल गुरुद्वारा इन पाकिस्तान, सो ईच चैप्टर में मैंने वो डाल दिया, वो फ्रेज उसको आप आयत बोलें श्लोक बोलें अपनी लैंग्वेज में, और उसका मीनिंग लिख दिया, और साथ में वो स्टोरी लिख दी कि उस समय 2-3 महीने में क्या हो रहा था जिसके लिए गुरु साहब ने वो रचना की हम लोगों को समझने के लिए। बट उससे क्या हुआ कि जब कोई जर्मनी में बैठा हो, कोई अमरीका में बैठा, कहीं ना कहीं लोग हेरिटेज एंथुसियास्ट वो बिल्डिंग को देखते हैं, वो आर्ट वर्क को देख लेते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट द आर्ट वर्क और द फ्रेस्कोज और द डोम्स और द ड्यूरस, लाइक इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स बिकॉज दैट बिल्डिंग हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर सिक्स, एंड सिक्स आर डूइंग वेल प्रॉस्पेरस कम्युनिटी अब्रॉड,
तो जब तक हम ये हिस्टोरिक कॉम्बिनेशन उनके साथ बना के नहीं देते, इट वुड हैव बीन जस्ट अ मैटर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नो इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन जरूरत है दिस वर्क टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल बाय यू गाइस टू एक्सप्लोर इट फर्दर, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन देकर आया हूं. एंड एज आई सेड बिफोर, माय वर्क इज मेनली, आई फील मेनी पीपल आस्क मी व्हाट इज न्यू इन योर वर्क, आई सेड my end notes are very detailed, my index at the end of the book is very detailed, my citations are very detailed, references are very detailed, and I have done a lot of translations from Indo-Persian script. Maine uske liye tarika kya rakha ki main as I'm a dentist apne office mein jo bhi koi job ke liye aata hai, I have many offices, so anyone comes from Pakistan, Afghanistan, Iran, I just hire them, either it's a dentist or dental assistant, dental hygienist. Aur jab mere patient nahi jis din hote hain, mere paas manuscripts to bahut padi hoti hain always, so ask them please help me read them. वो पढ़ते रहते हैं कोई ना कोई काम की चीज, समटाइम्स इट टेक्स 2-3 वीक्स और मुझे एक काम की चीज मिलती है. दैट वाज माय वे टू फाइंड आउट व्हाट इज रेलेवेंट फॉर दीज बिल्डिंग्स. मुझे इन बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड कुछ ना कुछ लेना था, बेशक वो तुझ के जहांगीरी से मिलूं या दारशकों की पॉइंट से लूँ या अलामा इकबाल की पोइट्री से लूँ या मोहम्मद अली जना कादर आजम से की कुछ डायलॉग से लूँ. कुछ ना कुछ मैंने आपके कल्चर से, आपके सुने हुए करेक्टर से लेने की कोशिश की है कि जब आप वो चैप्टर को पढ़ें आपको इंटरेस्टिंग लगे. जैसे वहादत अल वजूद है, आई डोंट नो आपको, एनीबडी नोज दैट, वहादत अल वजूद, वहादत अल शोहद, टू कॉन्सेप्ट्स. एनीवन, शेख अहमद सरहिंदी सुना हो किसने, नक्शबंदीज, यस, या वेरी गुड. ये सारे इस्लामिक मुस्लिम, जब सूफीज्म से चेंज हो रहा था इन 16th-17th century, ये तभी के टर्म्स हैं. बट आई हैव रिटन इट इन ए पॉजिटिव और न्यूट्रल वे, एटलीस्ट आई शुड से, ताकि किसी को पढ़ने वाले को ये नहीं लगे कि यार ये तो सिखों की किताब है. इसलिए मुझे इसमें एक्चुअली टाइम बहुत लगा. मैंने बहुत से लोगों से कंसल्ट किया इन पाकिस्तान, किसी को मैंने कोई बुक तो नहीं आज तक नहीं दी, बिकॉज यू नो यू डोंट वांट टू गिव योर वर्ड. लेकिन मैंने कुछ चैप्टर्स, कुछ पैराग्राफ्स मैं इंडिया में भेज देता था अपने दोस्तों को, हिस्ट्री प्रोफेसर को, और मैं पाकिस्तान भेज देता था. और बड़ा इंटरेस्टिंग था जब मेरे पास आते थे, जो यहां से आते थे उन्होंने और लाइनें रेड की होती थी, इसको काट दो, और उधर से आते थे उन्होंने दूसरी लाइनें रेड की होती थी. So it was very interesting for me as I'm an American, right? I live there. मुझे क्या इंडिया पाकिस्तान, though I'm from India, but I'm writing the work, this work on the zero line. I'm writing as if I'm sitting on the border. मेरे लिए दोनों same है अभी इस book को लिखने के मुतालिक. तो मेरे लिए बहुत interesting था देखना, and they are very serious historians both in India and Pakistan. तो फिर मैं उनको फिर बीच में neutralize करके I would write the final version, जो उनको भी अभी देखेगा जब वो book देखेंगे. So though I have acknowledged many people's name in the book, but it's not necessary that it is their endorsement. क्योंकि कई जगह पर मैंने उल्टा लिखा है, but I was just trying to see कि जो कराची में प्रोफेसर है उसका क्या व्यू है इस स्टोरी के बारे में, जो चंडीगढ़ में उसका क्या व्यू है, जो बॉम्बे में रहता है और जो अमेरिका में रहता है. सो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ दीज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री जब लिखी जाती है, टेक्स्ट बुक लिखी जाती है, तो हिस्टोरियंस कैसे उसी नरेटिव को डिफरेंट तरीके से पेश करते हैं. So my last request is to Dr. Kororo and to all the students and all of the staff, please. This book ko main April mein, it's already translated in Urdu. It's not published yet. I want to wait till mujhe kuch reviews mile hain ki jo English language hai, it's good for aap academics hain, aapke liye theek hai. Lekin jab mujhe ye kitab har shahar mein, har ghar mein pahunchane ki koshish karni hai, kyunki koi maloom nahi ki kasoor mein ki kisi gaon mein koi bachcha kal bole ki haan ye mere gaon mein ye badi हिस्टोरिक बिल्डिंग है, मुझे उसको संभालना है, वो तभी संभालेगा ना उसको, उसको हेरिटेज वैल्यू बताऊंगी. जब उसने वो काम कर दिया फिर बहुत आसान है. फॉरेन से टूरिस्ट तो मैं ला दूंगा, बाबा जी बैठे हैं, इनके पास सोशल मीडिया है, बाबा शायद शबीर, लोग वहां पे जाना शुरू होंगे, वहां पे लोकल इकोनॉमी लोग जाएंगे, चाय पकौड़ा कपड़ा सब खरीदेंगे वहां से. सो इट विल हेल्प टू द नेबर्स ऑफ दैट बिल्डिंग. लेकिन वो तभी मालूम चलेगा अगर उस बच्चे को उस जिले में मालूम है कि मेरे जिले में भी कोई चीज है. नॉट एवरीबॉडी लिव्स इन इस्लामाबाद और लाहौर, पीपल डोंट हैव एक्सेस टू ग्रेट यूनिवर्सिटीज लाइक यू हैव. तो उनके लिए उर्दू में पहले मैं शाम की सोच रहा था, देन एवरीबॉडी सेड नो इट हैज टू बी उर्दू. सो द ट्रांसलेशन इज कंप्लीटली डन. लेकिन उसमें क्योंकि रेंज बहुत बढ़ जाती है, इसी तरह गुरुमुखी भी है. गुरुमुखी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दी कि आई एम नाउ पुटिंग दिस सिख जन्म साखी इज नेक्स्ट टू सूफीज्म, दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम दैट द सिख ऑडियंस इज गोना सी दैट. एंड आई नो लोग ये लाइक नहीं करेंगे कि मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वहां पर भी ऐसा होता था, बट आई हैव टू डू दैट फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि this question is going to come in few centuries ki ye sari karamatein ye kya ho raha hai, matlab people are going to question in a different way. So I need your help ki isko jab book ko padhe aapko kuch cheez aisi lage ki ye akhregi logon ko, ye people are not going to like this statement or this way, just tell me so that I can improve that wording or line before I do it in April. The same request I'm doing it in, I presented
same class in India also, ki unko jo kuch lage, so that I can make the book readable by common people also. In academics, we can write a lot. We can go very heavy critical book writing, but this book I'm trying to write in between. So let's see, only time will tell how successful I have been. Thank you so much for your time today. Thank you.